नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। जी हाँ, कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से यह प्रस्ताव जारी किया गया है। बता दें कि इसमें देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात कही गई है। साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार जानते हैं कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाना सख्त जरूरी है। बता दें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, यानी कि देश की आबादी का करीब 19.5% व्यक्ति सेवानिवृत्ति की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर मोदी सरकार यह फैसला लेती है तो लाखों लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।